शर्मा जी के माता जी से, उनके भाई से मिला हूँ, परिवार से मिला हूँ। और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये जिहाद है, ये निशाना लगा के बेटे की हत्या की गई है, चुन के मारा गया है। जो सबसे ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ धर्म का काम करता था उसको मारेंगे, ऐसा करके घर के अंदर घुस के, देश की राजधानी में इतनी हिम्मत, किसी के घर के अंदर घुस के उसको मारा गया है। और केवल इतने भर से उनके चैन नहीं पड़ा, तो अस्पताल में जाकर भी दोबारा मारा गया है। इसको कोई साधारण आपराधिक घटना नहीं माना जा सकता, इसको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे किसी आतंकवादी घटना को समझना पड़ता है। मारने वालों को तो फांसी होनी ही चाहिए। मारने वालों के पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके दिमाग में ऐसा जहर भरा, जिन्होंने उनके दिमाग में ये नफरत भरी कि कोई तो चंदा मांगने आए राम मंदिर का, तो उसको भी निशाना लगा के मारा जाए। वो नफरत भरने वाले मास्टर माइंड, उनको भी पकड़ा जाना जरूरी है। इस घटना की जांच एक साधारण आपराधिक घटना की तरह ना होकर के एक आतंकी हमला, घर के अंदर घुस के दरवाजे पे आके मारने वाला हमला, वैसे हमले के तौर पे किया जाना जरूरी है। मैं आज जब परिवार से मिला तो परिवार को मैं केवल अकेला मिलने के लिए नहीं आया हूँ, पूरी दुनिया से 9000 से ज़्यादा लोगों ने अपने संदेश भेजे हैं और परिवार के लिए आर्थिक सहायता भेजी है। हम लोग 1 करोड़ रुपया ये परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दे रहे हैं। परिवार के बैंक खाते में उसको ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया अभी शुरू कर रहे हैं। उनके बैंक में एक अमाउंट डाल के वो टेस्ट कर रहे हैं कितना अमाउंट आया है, और ये पूरा 1 करोड़ रुपया आज से लेके और 26 फरवरी तक ये पूरा इनके बैंक खाते में आएगा। वो परिवार को समर्थन के लिए है, कानूनी मदद के लिए है, और इस परिवार को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। ये जय श्री राम बोल के प्राण दिए हैं बेटे ने। मुख्यमंत्री होंगे इसीलिए उनसे मिलने जाते हैं, सबसे तो मिलने नहीं जाते। मुख्यमंत्री दिल्ली का मुख्यमंत्री होता तो सबका मुख्यमंत्री होता। वो बेटे का धर्म नहीं देखता कि बेटे के लिए बोलना है कि नहीं बोलना है। जो आदमी अखलाक के घर दादरी जा सकता है वो मंगोलपुरी नहीं आ सकता, इसका मतलब वो यहाँ के लोगों को अपना नहीं मानता, इसका मतलब वो इन्हें पराया मानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप एक धर्म के या एक समाज के मुख्यमंत्री मत बनिए। कम आप, हम आपसे आर्थिक मदद नहीं मांग रहे, हमारे घर का बेटा गया है, हम आर्थिक परिवार को संभालेंगे, लेकिन 2 शब्द संवेदना के 2 शब्द ये भी अगर नहीं बोले तो ये दिल्ली याद रखेगा।